अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास टू। इसका हमारा टॉपिक है द एनिमल वर्ल्ड। इसमें आज हमने बुक पेज नंबर 19 करना है। पहले हमने एनिमल्स जो थे उनका डिफरेंस पढ़ा कि एनिमल्स में डिफरेंस जो है वो किस तरह से होता है, उनके स्केलेटन और उनके बॉडी टेम्परेचर की वजह से उनके अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। और साइंटिस्ट ने हमारी स्टडी को ईजी करने के लिए एनिमल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया हुआ। अब आज पूछा जा रहा है पेज नंबर 19 पर हु आर वी, कि हम कौन हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है और क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में वो पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट हैं, तो बताएं आप कि फिर हम कौन से एनिमल हुए। जैसे फर्स्ट पर है आर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, वी आर कूल ब्लडेड, वी ले एग्स, वी आर रेप्टाइल्स, कि हम हमारी जो स्किन है वो स्केल से कवर्ड है। इसके अलावा हम कूल ब्लडेड हैं, हमारा ब्लड जो है वो कूल है। एग्स ले करते हैं हम रेप्टाइल्स हैं। वो आप बता भी रहे थे कि हम क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। कैन यू नेम सम ऑफ अस, कि क्या आप हम में से कुछ के नेम यहाँ पर बता सकते हैं, रेप्टाइल्स के नेम बताने आप लोग के। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो रेंगते हैं, जो क्रॉल करते हैं। जैसे टर्टाइल्स है, उसको आपने अक्सर देखा है, वो क्या करता है, वो क्रॉल करता है। क्रोकोडाइल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं एटसेट्रा, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं। ये सारे क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं। ओके, तो इसके बाद आगे है नेक्स्ट, वो भी यही हु वी आर, उसमें अलहदा प्रैक्टिस टिक्स दी हुई है एनिमल्स की। और फिर पूछा गया कि बताएं हम कौन है। We live on land and also in water. हम लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। We are cool blooded. हम cool blooded हैं। We don't have scales on our skin. कि हमारी स्किन पर स्केल्स नहीं होते, जैसे रेप्टाइल्स हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। We are amphibians. हम amphibian हैं। Can you name some of us? कि आप क्या हमें से कुछ के नेम्स बता सकते हैं amphibians के। तो एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस। अब यहाँ पर हमने एम्फीबियंस के कुछ के नेम यहाँ पर मेंशन किए हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, सेलेमेंडर हो गया एटसेट्रा, ये सब क्या है, एम्फीबियंस है। ये वाटर के अंदर भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। तो ये तो था हमारा अब आगे नेक्स्ट है टेक योर टेम्परेचर, कि आप अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेक करें। ह्यूमंस की हमारी बात हो रही है, वो क्या है कि आप अपने किसी एडल्ट को बोले कि आपको किसी गर्म जगह पर लेके जाएं, ठीक है, इनके बाहर कहीं धूप वगैरह में अगर आप हैं वहां लेके जाएं, वहां पर आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है उसको चेक करें। वहां पर चेक करने के बाद आपको किसी और रूम में लेके आए, यानी कि एयर कंडीशनर रूम में, यहाँ एसी वगैरह वहां लेके आए, वहां पर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नोट डाउन करें। तो दोनों जगहों पर जो आपका बॉडी टेम्परेचर नोट किया जाएगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि हम जो है वो वार्म ब्लडेड है और हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। वो टेम्परेचर जो है हमारे बॉडी का, वो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट में चेंजेस आने की वजह से वो चेंज नहीं होता। तो ये था आज का हमारा काम। आपने अभी इनको क्या करना, यहाँ पर जो ये है कोई भी आर, ये मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, मेंशन किए हैं। आप और ज्यादा एनिमल्स को सर्च करें, उनके भी यहाँ पर आप नेम्स मेंशन करें और इस बुक पेज नंबर जो 19 है इसको अच्छी तरह से रीड आउट करें।